गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 6 ऑफ हिंदी वसंत। आज हम क्लास 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के चैप्टर 6 का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर, इससे लिखा है यतीश अग्रवाल जी ने, लेखक हैं इसके यतीश अग्रवाल जी, यतीश अग्रवाल। पार्ट 6, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत बेटा हमने पढ़ा था कि रक्त और हमारा शरीर, रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है, रक्त हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और रक्त क्या होता है, रक्त में कौन कौन से तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो इसमें एक कहानी के माध्यम से हमें अच्छे से समझाया गया है कि रक्त क्या है और रक्त की कमी होने से हमारे शरीर में कौन कौन सी डिजीज, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसमें इसकी एक ब्रीफ समरी आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं कि इसमें एक लड़की होती है, अनिल की छोटी बहन है दिव्या, उसको रक्त की कमी हो जाती है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि भी इसके रक्त की जांच करवाइए। जब वो बीमार होती है तो उसका भाई उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसकी ब्लड की जांच करवाइए, उसके बाद ही हम इसकी कोई बीमारी जो है उसे पकड़ पाएंगे। अब जो अनिल है लड़का, वो अपनी बहन की ब्लड की जांच करवाने के लिए हॉस्पिटल में ही एक रूम में जाता है, और वहाँ पे जो एक नर्स होती है वो उसकी जानकार होती है। अब वो उससे जाके मिलता है तो वो उसे पूछते हैं कि बताइए अनिल, आपका कैसे आना हुआ। तो अनिल कहता है कि मैम, मैं ऐसे ऐसे मेरी बहन को दिखाने के लिए आया था यहाँ पे, और डॉक्टर ने कहा है कि इसकी ब्लड की जांच करनी है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप बैठिए, मैं इसकी ब्लड की जांच कर लेती हूँ। अब वो ब्लड की जांच करवा के वहां से अपने घर चला जाता है, और नेक्स्ट डे जब वो आता है तो उसकी जो नर्स है वो उसकी रिपोर्ट देखती है और देख करके बताती है कि इसको तो क्या है, एनीमिया है, एनीमिया एक डिजीज है, एनीमिया का इसे एनीमिया की बीमारी हो गई है। अब वो जो है एक्साइटेड होकर के पूछता है कि मैम, ये एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में बताइए। अब वो नर्स उसे बताती है कि अनिल, एनीमिया जो है वो शरीर में रक्त की कमी के कारण होता है, कि जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसके कारण ये एनीमिया नामक बीमारी हम घोषित करते हैं, उसे एनीमिया बता देते हैं। तो अब उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि शरीर में रक्त की कमी क्यों होती है, किन कारणों से होती है, और उस रक्त की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है। अब उसकी जो नर्स है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब वो स्लाइड के ऊपर से लगा करके देखती है, तो फिर वो एक्साइटेड होकर के उससे पूछता है कि मैम, आप ये क्या कर रहे हो। तो मैम बताती है कि ये सूक्ष्मदर्शी है और इसमें मैं ब्लड की जांच कर रही हूँ, इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं वो ब्लड के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तत्व होते हैं, कि जो ब्लड के तत्व हैं वो उनसे हमें पता चलता है कि शरीर में
कौन कौन से तत्वों की कमी हो गई है। अब इस तरह से वो उससे वार्तालाप करता है। अब वो उसे बताती है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच करके उसे बताया कि एनीमिया कैसे होता है और एनीमिया के होने के कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और किन चीजों से होता है और कौन सी चीजों से एनीमिया दूर हो जाता है। तो जब अनिल ने पूछा कि एनीमिया होता किससे है, तो फिर डॉक्टर दीदी ने बताया कि जब हम असंतुलित आहार खाते हैं, यानी कि गंदे हाथों से हम खाना खाते हैं, हम खुले में टॉयलेट जाते हैं, हम नंगे पैर जमीन पे घूमते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो हमारे पेट में क्या जाएगी भी गंदगी जाएगी और जो कीड़े जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे पेट में चले जाएंगे और वो हमारा भोजन जो है, जो पौष्टिक भोजन हम खाते हैं उससे जो रस बनता है उस रस को वो बैक्टीरियाज क्या कर देते हैं, खा जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बनना चाहिए, जो रस बनना चाहिए वो बनना बंद हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है। दूसरा कारण क्या है कि जब हम खुले में टॉयलेट जाते हैं तो जो जमीन की ऊपरी सतह पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी स्किन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है वो हमारी त्वचा में चले जाते हैं। तो फिर हमारे अंदर की जो चीजें होती हैं, जो पौष्टिक तत्व होते हैं, उन सबको क्या कर जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड बनना होता है वो सारा क्या हो जाता है, वो उस रस को वो खा जाते हैं और ब्लड की कमी हो जाती है। अब डॉक्टर दीदी ने बताया कि ब्लड बनता कैसे है, ब्लड में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो ब्लड में डॉक्टर दीदी ने बताया है कि ब्लड में, रक्त में, रक्त में तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें शामिल हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर एक लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कण या कणिका। दूसरा होता है श्वेत रक्त कण, एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा और एक होता है डिम्बाणु। बेटा हमारा जो रक्त होता है उसमें चार चीजें जो होती हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं या मुख्य होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है लाल रक्त कण, जो हमारा ब्लड जिसके कारण लाल दिखाई देता है वो क्या होते हैं आपकी लाल रक्त कण होते हैं। ये छोटे छोटे सूक्ष्म तंत्री से देखे जाने वाले ऐसे कण होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, पानी की तरह लिक्विड रहता है, जो बहुत ही माइनर इसके वो होते हैं जिसे हम जिसके कण नहीं देख सकते, वो केवल लिक्विड फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो ये जो लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण है ये किसके अंदर तैरते रहते हैं, प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं। तो रक्त के कितने पार्ट हो गए, एक पार्ट में तो दोनों चीजें होती हैं, एक में ये दोनों चीजें होती हैं और दूसरे में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो ये दोनों चीजें, प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर तैरती रहती हैं। तीसरा होता है डिम्बाणु, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, प्लेटलेट्स कहते हो। जैसे कि उस बच्चे की प्लेटलेट्स डाउन चली गई, तो प्लेटलेट्स क्या होती है, उन्हें हिंदी में कहते हैं डिम्बाणु। इनका कोई रंग नहीं होता, प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका कोई कलर नहीं होता, इनका कलर जो होता है वो इनके कारण ही दिखाई देता
है। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो जालीनुमा होती हैं इस तरह से, जो हमारे ब्लड को शरीर से बाहर निकलने में रोकने में सहायक होती हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लाल रक्त कण जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? कणों के रूप में होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है? लाल रक्त कण जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो रक्त बनता है उसे पूरे शरीर में प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कण जो होते हैं, वो हमारे शरीर में बाहर से जो बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करते हैं उनसे फाइट करने में सक्षम होते हैं। जो बाहर से बैक्टीरिया शरीर में घुसते हैं उनके साथ लड़ाई करके उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये तो था किसका? सफेद रक्त कण और लाल रक्त कण। कई कण प्लाज्मा, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। उसके बाद दीदी ने बताया है कि जो ये प्लाज्मा में तैरते हुए किस तरह से दिखाई देते हैं? बालूशाही की तरह दिखाई देते हैं। बालूशाही एक स्वीट होती है, एक मिठाई होती है जिसमें बीच में गड्ढा होता है, चारों तरफ से गोल होती है। उसी तरह से ये लाल रक्त और श्वेत रक्त जो कण होते हैं ये प्लाज्मा में, जैसे बालूशाही और या जलेबी कढ़ाई में तैरती रहती है, उसी प्रकार से ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। उसके बाद है आपका बिंबाणु। बिंबाणु का क्या काम होता है? बिंबाणु का काम होता है जैसे हमारे शरीर में चोट लग गई, ब्लड बह रहा है, तो उस समय जब हम वहां पे कोई तेज कपड़ा बांध देते हैं, उस पे टाइट कर देते हैं, तो उससे जो ब्लड होता है, ये आपका ये जो तीनों चीजें होती हैं, ये क्या हो जाती है कि उसे जब हम प्लेटलेट्स को, जब उसे चोट वाले स्थान को बांध देते हैं, तो जो प्लेटलेट्स होती है ये सिकुड़ जाती है। ये जो जालीनुमा स्थिति है ये क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और जब कोई चीज सिकुड़ जाएगी, बिल्कुल टच में हो जाएगी, तो उसके अंदर से जो लिक्विड है वो भी निकलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारे शरीर में से जो रक्त बहता है उसे रोकने में सहायक होती हैं। क्लियर? ये तो थे लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा और बिंबाणु। ये चीजें क्या होती है और इनका कार्य क्या है? अब अगली बात है कि शरीर में रक्त बनता कैसे है, रक्त का निर्माण कैसे होता है। फिर ये बताया है कि 4 लाख जो तत्व होते हैं, ये लाल रक्त कण होते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे शरीर में। फिर इनकी लिमिट बताई गई है कि ये 4 महीने बाद नष्ट हो जाते हैं। तो फिर जब ये 4 लाख या लाखों की संख्या में होते हैं और फिर नष्ट हो जाएंगे, तो फिर आगे कैसे जनरेट होंगे, किस तरह से बढ़ेंगे, तो उसके बारे में दीदी ने बताया है कि पहले तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है, रक्त का निर्माण कैसे होता है। जिस तरह से एक इंडस्ट्री में, जैसे हमारे शरीर के अंदर भी, उसने डॉक्टर दीदी ने बताया है कि हमारे शरीर में भी एक इंडस्ट्री लगी हुई है, हमारी बॉडी में भी एक इंडस्ट्री लगी हुई है। जिस प्रकार से हम इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कच्चे माल से एक उत्पादन करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में भी हम कच्चे माल से रक्त का उत्पादन करते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग जगहों से हम रॉ मटेरियल ला करके और फिर मशीनों में लगाते हैं और उस मशीन से एक प्रोडक्ट तैयार होकर निकलता है, उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में हम जो पौष्टिक भोजन के तत्व हैं, जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, लौह तत्व है, आपकी कैल्शियम है, और भी आपका जो वसा है, लिक्विड जो फॉर्म में आप जिसे फैट बोलते हो, वो सारी चीज़ें जब हमारे शरीर में जाती हैं तो वो क्या होती हैं? एक रॉ मटेरियल के रूप में होती हैं, वो कच्चे माल के रूप में होती हैं। और वो कच्चा माल जब अंदर जा करके हमारे डाइजेशन सिस्टम में, जो इंडस्ट्री है उसमें जब जाता है, तो उससे मिल करके और उसमें से जो गंदगी होती है वो तो बाहर निकाल दी जाती है, और उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको एकत्रित करके और उससे क्या बनता है भाई? ब्लड का निर्माण
होता है और वो ब्लड का निर्माण होने के पश्चात ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये इसे क्या करती हैं, पूरे शरीर में प्रवाहित करती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो आने वाले बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है, तो ब्लड का निर्माण होता है संतुलित आहार के खाने से, संतुलित भोजन के खाने से, शुद्ध पानी के पीने से और हम जो कीड़े वगैरह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उनसे हम अपना प्रोटेक्शन करें जिससे हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण हो जाता है, हो सकता है। अब उसके बाद बात आई थी कि ब्लड बैंक क्या होते हैं और हमें ब्लड क्यों डोनेशन करना चाहिए, ब्लड की नीड क्यों होती है और किन परिस्थितियों में हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, उन सब के बारे में बताया है डॉक्टर दीदी ने। ब्लड बैंक क्या होता है, ब्लड बैंक वो होता है जहाँ पे ब्लड को एकत्रित करके इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जिसका कोई अकस्मात एक्सीडेंट हो गया हो या किसी और किसी हार्ट डिजीज से कोई व्यक्ति मरने की कगार पे जा रहा हो उसमें ब्लड की कमी हो गई हो तो ऐसी विकट परिस्थितियों में हम उस ब्लड बैंक से ब्लड लेकर के उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। ये जो आयोजन होते हैं ये आपके स्कूल में, हॉस्पिटल में या कहीं भी आप करवा सकते हो। 18 साल का होने के पश्चात हम अपना ब्लड दे सकते हैं और ब्लड जब कोई यंग ब्लड होता है, जिसका यंग जनरेशन का व्यक्ति होता है 18 के बाद, वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है क्योंकि उसका ब्लड जो है वो बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाता है क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो अच्छा होता है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी से पचा लेते हैं और उनके अंदर जो ब्लड बनने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी ही रिकवर उन चीज़ों को करती रहती है। ब्लड क्यों देना चाहिए, किन परिस्थितियों में देना चाहिए और क्या प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड दिया जा सकता है, इन सब बातों के बारे में दीदी ने बताया है कि ब्लड क्यों देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने के लिए, उसका उपचार करवाने के लिए यदि उसे ब्लड की आवश्यकता है तो हमें उसे ब्लड देना चाहिए या फिर हमें ब्लड को डोनेट भी कर देना चाहिए ताकि वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ सके। दूसरा, ब्लड बैंक क्या होते हैं, जहाँ ब्लड को एकत्रित करके रखा जाता है वो ब्लड बैंक कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड से मैच हो सकता है, नहीं। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शन होते हैं कि कई ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो हम जैसे ओ पॉजिटिव है, अब ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है वो अपना ब्लड किसी भी व्यक्ति को दे सकता है लेकिन वो व्यक्ति ब्लड केवल किससे ले सकता है, केवल ओ पॉजिटिव से ही ले सकता है। अब बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को ही दे सकता है, ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकता है, बाकी जो ओ पॉजिटिव है वो सभी को दे सकता है और सभी से ले नहीं सकता, केवल ओ पॉजिटिव से ही ले सकता है। तो जिनका ब्लड ग्रुप सेम होता है वो एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। उसके बाद भी कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो सभी को डोनेट कर सकते हैं, जैसे ए ओ पॉजिटिव है, इसी तरह से आपका साइंस में और भी आप पढ़ सकते हो कि और भी कोई ऐसा ब्लड ग्रुप हो सकता होगा लेकिन ओ पॉजिटिव डेफिनेट है। ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सबका ब्लड ग्रुप जो है वो एक दूसरे, सभी व्यक्ति एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिनका ग्रुप मिलता है या तो वो दे सकते हैं या फिर जिनका ब्लड ग्रुप ऐसा हो जो सभी को डोनेट कर सके वो ही व्यक्ति सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये था ब्लड डोनेशन से रिलेटेड बातें। ब्लड बनता कैसे है उस प्रक्रिया के बारे में आपको बताया है कि संतुलित आहार के खाने से, शुद्ध पानी पीने से, व्यायाम वर्जिश करने से, फ्रूट आदि हरी सब्जियां आदि खाने से हमारे शरीर में ब्लड जो है वो बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बस शर्त क्या है कि हम
दूषित खाना ना खाएं, बिना हाथ धोए खाना ना खाएं, गंदगी में ना घूमें, खुले में शौच ना जाएं और नंगे पैर मिट्टी में ना घूमें, ताकि जो कीड़े होते हैं वो हमारे पेट में प्रवेश ना कर सकें। तो ये था आपका ब्लड, रक्त और हमारा शरीर की रक्त क्या है, रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है, रक्त कैसे बनता है, रक्त क्यों देना चाहिए, इन सब बातों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो इस चैप्टर को आप फिर से रीड आउट कर लीजिए। यदि और कोई प्रॉब्लम आपकी आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।